कहने को तो वैसे सिर्फ दूसरा ही मुकाबला है T20 वर्ल्ड कप का, पर भारत के लिए और एक्चुअली न्यूजीलैंड के लिए भी हो चुका है डू और डाई। अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो फिर भूल जाइए, क्योंकि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है, जो जीतेगा वो आगे का मतलब उसका रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। पर इस बड़े मुकाबले के लिए क्या ईशान किशन को खिलाया जा सकता है मे बी हार्दिक की जगह, क्योंकि वो गेंदबाजी नहीं कर रहे? क्या लॉर्ड ठाकुर को खिलाया जा सकता है भुवनेश्वर कुमार की जगह? और क्या वो अश्विन या चाहर के लिए जगह बनती है इन प्लेस ऑफ वरुण चक्रवर्ती? बहुत सारे सवाल है ना। लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आज के शाम के मुकाबले की करते हैं प्रीव्यू। और आज का मेरा आपके लिए सवाल है कि जितने भी T20 आए हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, भाई किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं ये बताओ जरा। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। हाय रेक प्रेजेंस क्रिकेट चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और क्वेश्चन आंसर्स हो चुके, अब जरा थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करने का, प्रीव्यू करने का प्रयास करते हैं कि दोनों टीम्स कहाँ खड़ी हैं। देखिए, जो जो बात आपने बहुत बार सुनी भी होगी और बार बार बताई भी गई होगी कि यार हमारा ना हेड टू हेड अच्छा नहीं है यार, हम मतलब अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, ICC इवेंट्स की बात करें, अभी हम WTC का फाइनल हारे हैं, उससे पहले भी 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे थे, 2016 के वर्ल्ड कप का भी लीग मैच हम न्यूजीलैंड से हार गए थे, ये वो टीम है जो हम पे बहुत भारी पड़ती है, विच इज़ अ फैक्ट। पर ये वाली बात तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की भी थी ना, मतलब कभी हारे नहीं थे और वेस्ट इंडीज, लेकिन इस बार धूल चटा दी गई। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ वो यहाँ नहीं हो सकता। हमेशा कहते हैं या तो इतिहास अपने आप को दोहराता है या फिर आज की तारीख आपको एक नया इतिहास रचने के लिए, लिखने के लिए प्रेरित करती है। सो दैट्स द होप दैट वी आर गोइंग विद की भारतीय टीम हमेशा से अच्छी टीम रही है। ऐसा नहीं है कि एक मैच खराब हो जाए तो टीम खराब हो जाती है, और जो प्लेयर्स जिनकी जिनको हम कहते हैं रॉक स्टार्स हैं, आउटस्टैंडिंग है, वर्ल्ड के बेस्ट हैं, वो एक मैच खराब हो गया तो फिर कहो चलो भाई इनका तो कुछ नहीं होने वाला। सो लेट्स नॉट बी दैट फिकल, जो अच्छा है वो अच्छा है, वो कल भी था, आज भी, कल भी रहेगा। पर इस मुकाबले के लिए भाई प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। सो लेट मी स्टार्ट विद न्यूजीलैंड। इंडिया की भी बात करूंगा पर पहले मैं जरा न्यूजीलैंड की 11 पिक करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्टिन गप्टिल इज, हमें पता चला है कि भाई वो अवेलेबल हैं पर उनके पास फॉर्म नहीं है। क्या उनको फिर भी खिलाएंगे कप्तान केन विलियमसन? लॉकी फर्ग्यूसन उपलब्ध नहीं है, ही इज बीन रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो मेरे विचार में एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट जो कहते हैं ना कि कंपोनेंट था इस टीम का, दैट्स बीन टेकन अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड रादर। क्या टीम हो सकती है, मैं लिख के लाया हूं, डैरल मिचेल के साथ मार्टिन गप्टिल, उसके बाद केन विलियमसन कप्तान, डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट। अब यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग अगर आपका साथ साथ चल रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ ज्यादा टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं पिक कर लिए हैं, पर इनके पास कोई और विकल्प नहीं है, दैट्स द थिंग। जिमी नीशम, मिचेल सैंटना, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और सोधी, मुझे लगता है ये टीम होगी। और जैसा आपको एहसास हुआ कि यार गड़बड़ है इसमें, क्योंकि मार्टिन गप्टिल ओपन करेंगे, ओपन करते ही आए, डैरल मिचेल चलिए आप ओपन कराइए, डेवन कॉनवे इज ऑल्सो लाइक अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, टॉप तीनों बैटिंग करते हैं, और टिम साइफर्ट इज एन ओपनर, इज ए T20 ओपनर, उनका उतना कद और रुतबा नहीं होता डाउन दी ऑर्डर, तो डाउन दी ऑर्डर भी बहुत ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज बचे नहीं। ग्लेन फिलिप्स नाम बहुत बड़ा है पर दर्शन अभी तक बहुत छोटे हैं, दुबई का मैदान उनको सूट कर सकता है पर अगर थोड़ा सा आपने चेंज ऑफ पेस किया ना तो आप उनको भी फंसा सकते हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट आई सी विद द न्यूजीलैंड टीम। और गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट से खतरा बहुत है पर टिम साउदी बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं ना, और मिचेल सैंटन और सोडी भैया हम इंडियन है थोड़ी सी तो अच्छी स्पिन खेलेंगे। तो किस तरफ क्या लगता है इंडिया की टीम भी मैं पिक करने वाला, लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट हायरेट। हायरेट इंडिया का सबसे पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और CXOs के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं डायरेक्ट। इस ऐप को यूज करना काफी इजी है, इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे और अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, और उसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिथम आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगा। यहां पर जितनी भी जॉब्स पोस्ट होती हैं, हायरेक का ये दावा है कि सारी 100% वेरीफाइड होती हैं, और प्लस पॉइंट कोई भी कंसल्टेंसी और मिडलमैन हायरेक पे जॉब पोस्ट नहीं कर सकता है, जिससे ये प्लेटफॉर्म एकदम स्पैम फ्री और स्कैम फ्री हो जाता है। आपकी मर्जी के बिना आपकी कोई भी डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं होगी। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करने का और जॉब अपनी पाने का है। चाहिए तो अब नौकरी के लिए कहां जाना है पता चल गया, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। तो फिर अब भारतीय 11 पिक करने से पहले करूंगा भारतीय 11 पिक करूंगा। अब लेट मी जस्ट टेल यू ICC, अगर हम सिर्फ T20 आईज देखें, इंडिया और न्यूजीलैंड का मतलब 16 मैच खेले, 8-8 है बराबर, ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम जीतते नहीं है, लेकिन
अगर आप 2016 के T20 वर्ल्ड कप के बाद देखें तो 11 कुल मुकाबले हुए थे, उसमें से 8 जो है वो भारत जीता है। और अगर पिछले 5 मुकाबले आप उठा के देखेंगे तो 5ों के 5ों हम जीते हैं, उनके घर में जाके जीते हैं यार। और उसमें मतलब सुपर ओवर तक भी गेंदें गेमें गई, लेकिन हम मैंगन माउंट मैंगन हुई, वेलिंगटन, हैमिल्टन, ऑकलैंड, हम 5ों के 5ों लगातार मुकाबले जीते हैं। ऑकलैंड में शुरुआत हुई थी रिमेंबर, और 5 हमारे जो मैन ऑफ द मैचेस थे सब में अलग अलग थे, मैन ऑफ द मैचेस जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, रोहित शर्मा, केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर। हर मैच में एक नया हीरो निकल के आया था, इसमें लॉर्ड ठाकुर का नाम भी शुमार है। वहीं से तो उनका थोड़ा सा रुतबा और बढ़ना शुरू हुआ था रिमेंबर। तो फिर ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम अच्छा नहीं करती इस टीम के सामने, अच्छा कर चुके हैं, अच्छे की उम्मीद आपके साथ दोबारा बनी रहेगी। रोहित शर्मा, आई थिंक रोहित शर्मा से पहले एक्चुअली टॉस की बात कर लेते हैं। टॉस हैज़ बीन अ ह्यूज इम्पैक्ट। अगर आप दुबई के मैदान को देखें तो फिर टॉस का महत्व जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। जो टॉस जीतता है फील्डिंग करता है और अमूमन मैच जीतता है। वंस इन अ वाइल अफगानिस्तान जैसी टीम आती है जो टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला करती है, पर पाकिस्तान वहां पे भी चेज कर देता है। तो द चेजिंग टीम्स आर हैविंग अ बिगर से, इनफैक्ट नॉट जस्ट दुबई, ये तो हर जगह की कहानी हो गई कि कहते हैं ना कि जोड़ियां जो है वो भगवान मिलाता है, और मैच में जीत टॉस जिताता है, या मैच में जीत टॉस दिलाता है। आजकल ऐसा हो गया एक्चुअली T20 वर्ल्ड कप में, इट्स स्क्यूड हेविली इन फेवर ऑफ द टीम दैट्स विनिंग द टॉस। पर इसमें जो दो बड़े बड़े कैवियट्स हैं वो याद रखिए कि अगर आप टीम की पहले बैटिंग आ जाती है जो आपके हाथ में नहीं है, तो जो टीम्स मैच हारी है ना, कोई टीम सिर्फ एक टीम है जो 170 करके हारी है, दैट्स बांग्लादेश। अगर आपने 170 75 80 रन बना दिए ना, और आपकी बॉलिंग अगर भारतीय बॉलिंग जैसी है, आप मैच जीत जाएंगे। तो अगर पहले बैटिंग आती है, अर्ली विकेट्स इज द की टू सक्सेस। अगर आपने पहले 4-5 ओवर में विकेट्स नहीं गवाए और आप अच्छा खेलते हुए पहुंच गए अंत में 175 180 तक, ड्यू की भी आपको परवाह नहीं होगी, आप मैच जीत जाएंगे, क्योंकि चेज करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ भी वी फेल शॉर्ट बिकॉज रन 150 थे और ड्यू भी आ गई थी, लेकिन अगर वो 150 की जगह 180 होते तो क्या हम वो मैच नहीं जीतते? मैच में इंटरेस्ट आता, मैच में मजा आता, और हम ऐसे नहीं कि 10 विकेट से मैच हार जाते, मेरा ये मानना है। तो टॉस इज इंपॉर्टेंट, जीत जाओ तो बॉलिंग कर लो, लेकिन अगर नहीं आती तो 180 के आर पार पहुंचिए और फिर देखिए, आप टॉस हार के भी मैच जीत सकते हैं, दैट्स व्हाट आई फील। और रोहित शर्मा का इंपॉर्टेंस बहुत है यार, रोहित शर्मा जब रन बनाते हैं ना तो भारतीय टीम पक्का जीतती है, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। आई थिंक सिर्फ 150 है उनका जो लूजिंग कॉज में आया है, तो फिर रोहित का फॉर्म ये भाई भारत के हित में रहता है। पर अब समस्या ये है कि लेफ्ट आर्म के सामने ये बहुत बार आउट होते हैं। इनफैक्ट अगर इनके पूरे T20 आए के आंकड़ों को उठा के देखा जाए तो इनसे ज्यादा लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने पावर प्ले में कोई आउट हुआ ही नहीं है। अहमद शहजाद एंड रोहित शर्मा, दीज आर द टू पीपल हु बीन डिसमिस्ड 12 टाइम्स, 12 बार ही आउट हो चुके हैं। तो ट्रेंट बोल्ट का खतरा रहेगा, पिछले मैच में शाहीन आफरीदी थे, यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि रोहित शर्मा ट्रेंट बोल्ट को नेट पे बहुत बार खेल चुके हैं और वो अननोन कमोडिटी नहीं है, तो अगर उनको शुरू में संभाल लिया तो फिर कहानी कुछ अलग हो जाएगी। तो पहले मुझे लगता है 3 ओवर का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, केएल राहुल, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। अगर आप पावर प्ले में 45 भी बने लेकिन अगर विकेट नहीं गिरी, आई थिंक दिस गेम इंडिया विल नेल इट। अब 11 की बात कर लेते हैं कि भाई क्या होनी चाहिए भारतीय टीम की 11। तो मैं बैटिंग में कोई बदलाव नहीं देख रहा, मैं हार्दिक पांड्या को खेलते हुए देख रहा हूँ, खेलना भी चाहिए। मैं जरूर ये चाह रहा हूँ कि आप सूर्य को 4 पे भेज दीजिए, ऋषभ को 5 पे कर दीजिए, क्योंकि ऋषभ एट 5 एंड हार्दिक एट 6 एंड जड्डू एट 7 दैट जस्ट साउंड्स अ लिटिल बेटर, तो उनको मैं वहां रखना चाहूंगा। ऊपर राइट हैंडर हो जाएंगे तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, फिक्र करने की बात नहीं है। उसके बाद बॉलिंग के अंदर मैं बदलाव देख रहा हूं, मैं चाहता हूं भुवी की जगह शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आए। वरुण चक्रवर्ती के ऊपर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई नेट में कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर तो ठीक कर रहे हैं ना तो इनको खिलाओ, क्योंकि थोड़ी कंटिन्यूटी जरूरी है। और अगर लग रहा है आपको बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं नेट में और इंजरी का इशू है, तो फिर आपको टॉसअप करना पड़ेगा राहुल चहर और अश्विन के बीच में। समस्या सिर्फ यहाँ पे ये आएगी कि क्योंकि शार्दुल भी आपने ले लिया जो कि इनएक्सपीरियंस है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अब आपने राहुल चहर या वरुण को खिलाया, तो आपके दो इनएक्सपीरियंस बॉलर हो जाएंगे आउट ऑफ द 5 दैट यू हैव। तो वहां मुझे लगता है अश्विन की भी मतलब केस बनता है, पर सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा नहीं है, जिमी नीशम, डेवन कॉनवे, उसके अलावा तो सारे के सारे राइट हैंडर्स है ना, सो इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ ट्रिकी वन। पर एक चेंज, भूवी की जगह मैं शार्दुल को खेलते हुए देख रहा हूं, बाकी हो सकता है टीम में कोई बदलाव ना हो, नहीं होगा तो भी मेरे विचार में ठीक होगा। अब हमने अपनी बात कर ली, न्यूजीलैंड की भी तो बात कर लेते हैं। एक तो टॉप हैवी साइड है, वो बात होगी तो मैंने 11 भी आपको बता दिया, टॉप हैवी साइड है तो उसको आप पकड़ सकते हैं। मार्टिन गप्टिल का फॉर्म भारत के खिलाफ एशिया में इट्स पेडेस्ट्रियन, इट्स एब्सोल्युटली वो कहते हैं ना बिल्कुल साधारण आंकड़े हैं, आप उनको पकड़ लीजिए। शुरुआत अगर आपने अच्छी कर दी तो शामी और बुमराह पहले इनसे आप अटैक करवाइए और यहीं पर आप उनकी विकेट चटकाइए, और उसके बाद केन विलियमसन पे बहुत ज़्यादा दबाव रहने वाला है,
शुरू में इनके सिंगल्स रोक लो यार, मैंने सुबह भी आपको वीडियो में बताया कि ऐसे करके सिंगल्स रोको, शॉर्ट टर्म मिडविकेट वाले सिंगल्स रोको, अगर आपने इनको पकड़ लिया तो मुकाबला आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। इस सोडी मिचेल सैंटनर इनके खिलाफ मैं चाहता हूँ भारतीय टीम रन बनाने चाहिए यार, इनके पास ये पांच ही बोलिंग के विकल्प हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बॉलर इनके पास हैं जिसमें पांचवा तो हो सकता है कि आपके जिमी नीशम हो। अब नीशम से अगर आपने चार ओवर करवा दिए और आप इशोडी और सैंटनर और साउदी और बोल्ट अगर इनके सामने हमने घुटने टेक दिए तो देन वी डोंट डिजर्व टू गो फॉरवर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्टली अच्छी टीम है पर मेरे विचार में मैन टू मैन मार्किंग करोगे तो भारत बेहतर टीम है। सो लेट्स होप एंड लेट्स बिलीव एंड लेट्स थिंक कि भाई पॉजिटिव वाइब भेजते हैं कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा। लेट्स होप फॉर दैट टू हैपन। आज के लिए इतना ही है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजानी है। हायर इट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, दैट्स द प्लेस टू गो। तो मिडलमैन को हटाओ, नो स्पैम, नो स्कैम, सी दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। तो फिर क्विकली दैट्स वेयर यू नीड टू बी। अभी के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, बात करेंगे, होपफुली एंजॉय करेंगे, होपफुली एनालाइज करेंगे कि भारत ये मुकाबला कैसे जीता।